कोई सुराग या सबूत की तलाश में? नहीं, मैं तुम्हारे आने वाले नॉवल का चैप्टर पढ़ रहा था। तुम्हारा मुखबिर, सॉरी, सुमन का मुखबिर यानी इन्फॉर्मर उसके लिए खतरा बन चुका है। तो फिर क्या करें? सिंपल, उसे रास्ते से हटा दो। और तुमने परमार का कत्ल कर दिया। व्हाट? परमार का खून हो गया? चौंकने का ड्रामा मत करो अंतिका। ये बताओ, पिछले 2 घंटे में तुम कहाँ थी? अपनी नॉवेल का चैप्टर लिख रही थी। गवाह चाहते हो तो आंटी से पूछ लो। बहुत अच्छा लाखो। अपराध करने से पहले अपने बचाव की तैयारी बखूबी कर लेती हो। लेकिन ये मत भूलो, हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। क्या मतलब? पहले 2 कत्ल तुमने लिखने के बाद किए और परमार का कत्ल। मैंने अभी तक परमार का कत्ल नहीं लिखा था, पर अब तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के बाद जरूर लिखूंगी। तुम ज्यादा दिन नहीं बच पाओगी अवंतिका। एक पुलिस वाले की हत्या करके तुमने बहुत भारी गलती की है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस कहानी के खून के इल्जाम में तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना, उसकी लेखिका मैं हूं। तुम तो सिर्फ एक पात्र हो, एक मोहरा। मैं जितना चाहूंगी उतनी ही चलोगे। मैं चाहूं तो 2.5 घर, मैं चाहूं तो 1। खेल के नियम भूल गई तुम अवंतिका। बिसात पर 2 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी दूसरे खिलाड़ी का मोहरा ऐसी जगह खड़ा होता है जहां शह और मात होती है। चेक एंड मेट, दैट्स अ प्रॉमिस। मिस अवंतिका सूर्यवंशी, इन हत्याओं के केस में पुलिस आप पर शक कर रही है। दिस इज हाउ द पुलिस वर्क। अगर शक नहीं करेगी तो अपराधी तक पहुंचेगी कैसे? सबूत तक पहुंचने के लिए शक की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। क्या पुलिस आपको परेशान कर रही है? परेशान करना तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अगर हालात देखे जाए तो आप पर कातिल होने का शक किया जा सकता है। मैं कातिल नहीं हूँ, आई एम राइटर। जैसा आपने अपने नॉवेल में लिखा है ठीक उसी तरह हत्याएं हुई हैं। इसका कोई जवाब दे सकती हैं आप? इसका जवाब तो पुलिस ढूंढ रही है, मैं तो इसे सिर्फ इत्तेफाक कह सकती हूँ। आप किसी वकील या? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मिस सूर्यवंशी, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आपका करियर तबाह हो सकता है। अवंतिका सूर्यवंशी एक हस्ती का नाम है, मुझे हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। अ वेरी बैलेंस्ड गर्ल। अगर कोई कमजोरी है भी तो बड़ी चालाकी से कवर कर रखी है। उसने अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी है जिसके अंदर झांकना आसान नहीं है। यू मिस्ड समथिंग महक। तुमने सिर्फ उसकी बातें सुनी है, उसके चेहरे पर गौर नहीं किया। जब उसे धमकी दी जाती है तो उसके चेहरे से नकली मुस्कान का मुखौटा उतर जाता है, भले सेंस में उस पर काबू पा लेती है। हम एक गलती और कर रहे हैं। हम अवंतिका से बार बार वही सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब हम सबको मालूम है। उदय, तुम अवंतिका के बारे में जानने की कोशिश करो। ये लड़की है कौन? वी नो हर एज अ राइटर। हम उसे एक राइटर की हैसियत से तो जानते हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से नहीं। उसके आज के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पता चल जाए तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं खामोश नहीं बैठा हूं महक। मैंने पांडे जी को उसका गुजरा हुआ कल ढूंढने पर लगा रखा है। पांडे जी, क्या हुआ? सर, ऐसा लगता है लड़की पैदा नहीं हुई, आसमान से टपकी है। इसके बचपन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसे किसी ने गोद लिया है? जी हाँ, और गोद लेने वाले परिवार ने अनाथ आश्रम से सारे रिकॉर्ड्स गायब करा दिए। बहुत बड़े लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आगे चलकर इस लड़की का गुजरा हुआ कल इसके आने वाले कल पे कोई असर डाले। इसका मतलब ये है कि उसके गुजरे हुए कल में ऐसा कुछ छुपा है। पॉसिबली यस। हमें वही गुजरा हुआ कल ढूंढना है, और ये वही लोग बता सकते हैं जो इस लड़की के बहुत करीब रहे हैं। सर, वैसे तो इसके करीब ज्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये हैं बकुल भाई, 35 साल से सूर्यवंशी परिवार में काम कर रहे हैं। बकुल? इम्पॉसिबल पांडे जी, बकुल बहुत ही डरपोक आदमी, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ये हैं आंटी। नहीं पांडे जी, माँ की तरह पाला इस औरत ने अवंतिका को। ये अवंतिका के बारे में कुछ नहीं बोलेगी,
और अगर बोलेगी तो सब झूठ। ये है मिस्टर और मिसेस मेहता। ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। पुराने रिश्ते इनौंदिका के खिलाफ जाने से रोक देंगे और अदालत ने भी हुक्म दिया है कि इस केस के बारे में कोई बातचीत न की जाए। सर, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से अवंतिका ने मेहता के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया है, ये बहुत गर्म खून है सर। मेहता साहब की बेटी है, इसका नाम है नैना, ये म्यूजिक वीडियोस बनाती है। नैना अवंतिका से नाराज है क्योंकि इसका सीधा असर नैना के फ्यूचर पर पड़ेगा। नैना हमारे काम आ सकती है। एसीपी उदय ठाकुर, बहुत नाम सुना है आपका। बहुत खुश हो रही होंगी आप कि हत्याओं का शक अवंतिका पर जा रहा है। शक? शक आपको होगा एसीपी, मुझे पूरा यकीन है कि हत्यारी वही है। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है, आपके पास है। एक बात बताइए, मौत उसी के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? पहले उसके माँ बाप मारे गए और अब वो इतने बरसों बाद वापिस आई है और मौत का नाच फिर शुरू हो गया। तो आप कहना चाहती हैं कि अवंतिका के माँ बाप, जिन्होंने उसे बहुत ही प्यार से गोद लिया था, अवंतिका ने उन्हीं को मार डाला? Did I say that? No, I didn't say that. बहुत नफरत करती हैं आप अवंतिका से। आप कहना चाहती हैं कि अवंतिका एक बेरहम कातिल है जो एक के बाद एक कत्ल किए जा रही है, पागल की तरह, लाइक एन इनसेन किलर। दैट्स एग्जैक्टली हर। रुक क्यों गई? देखिए इंस्पेक्टर, वो एक खतरनाक औरत है। वो जो नजर आ रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अवंतिका एक अकलमंद, खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की है और आप उसे पागल साबित करने पर तुली हुई है। आप मुझे इशारे कर रही हैं ताकि मैं ये मान लूं कि सारे कत्ल अवंतिका कर रही है। मेरा ख्याल है हार ने आपके दिमाग पर काफी गहरा असर डाला है। मेरे ख्याल से उसके हुस्न ने आपके दिमाग पर असर कर दिया है एसीपी। बहुत जलती हैं आप उससे। अब अवंतिका आप लोगों से सब कुछ छीन लेगी, दौलत, इज्जत, तुम और तुम्हारे माँ बाप अब सड़कों पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। She is too intelligent for you and your father. She is not intelligent. वो पागल है, उसकी माँ भी पागल थी। अवंतिका पागल खाने में पैदा हुई है और वही उसकी असली जगह है, पागल खाना। Thank you. एसीपी साहब आ गए, इससे बात करने के बाद आपकी बारी है। ठाकुर के सामने गुंगे भी गाना गाना शुरू कर देते हैं और तेरी तो जबान भी है, बोल। अवंतिका की माँ पागल थी। आपको कौन बोला? हमारे भी खबरी होते हैं, पुलिस से कोई बात छुपी नहीं रहती। तभी तो मुंबई का पुलिस वर्ल्ड में नंबर वन है। इससे तो मैं कबलवा लूंगा। अरे बोल देना यार। हाँ बकुल भाई, आप पूछ रहे थे कि अवंतिका की माँ के बारे में कैसे जानता हूँ। काफी सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, दोस्त, पड़ोसी, कई सारे। बोल। मेरे सामने जो जबान नहीं खोलता वो जिंदगी भर नहीं बोलता। अबे क्यों मरवा रहा है, बोल ना। नैना ने बोला होगा, नैना ने बोला, मेरे को पक्का पता है, लेकिन वो तो पागल चौकरी है। अरे वो कैसे बोल सकती है, उसको अदालत ने मना किया है। बोल साले, नहीं तो किसी और से पता चला तो गोली मार दूंगा मैं। बोल। हाँ बकुल भाई, आप अवंतिका की माँ के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं तो कुछ भी नहीं बोला मोटा भाई। आपको मोटा बोल रहा है? नहीं, आपको मोटा नहीं, ऐसा मोटा नहीं बोला है। हमारे गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई बोलते हैं। मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मोटा भाई। पांडे जी। यस सर। इसको बाहर ले जाओ। हाँ। गाड़ी में बैठाओ, साले का एनकाउंटर कर डालते हैं। हाँ तभी तो आपको पहले छोड़ के आने की बात कर रहे हैं। पांडे जी इनको बाहर ले जाओ, जीप में, गाड़ी में बिठाओ। जीप में नहीं, मैं तो पैदल जाऊंगा, मेरे को डायबिटीज है, मैं तो दीवार में मिठाई तक नहीं खाया, मेरे को डॉक्टर ने पैदल चलने को बोला है, मैं चलूं? जाओ। उधर नहीं, इधर। अरे उधर नहीं, इधर। माफ करना मोटा भाई, मेरा डोका घूम गया। बकुल भाई। बकुल काका। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? फाइन, बहुत फाइन। अभी मेरा हार्ट फेलियर डेथ होने वाला है, उसको दवाई से रोकने का कोशिश करता हूँ। क्या बात कर रहे हो बकुल काका, डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो बीमार का इलाज करेगा, सदमे का तो नहीं करेगा ना। क्या हुआ काका? हुआ कुछ नहीं, अभी होने वाला है। वो ऐसे भी डाकू है ना। क्या किया उसने? नहीं, मेरे को कुछ नहीं किया। वो बाजू वाले को धमाधम मारता था, मेरे को पूछता था। क्या पूछ रहा था? वो तुम्हारे बारे में पूछता था। वैसे उसको सब खबर थी। हाँ, तुमको सूर्यवंशी ने गोद लिया, बाद में वो लोग का अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। नहीं, उसका पार्टनर मेहता के साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है ना, सब। ये बात तो सब जानते हैं काका। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में सबको मालूम नहीं है ना।
माँ के बारे में? हाँ, वो जानता कि तुम्हारी माँ पागल हो गई थी। काका, नहीं मैं नहीं बोलता हूँ, वो ऐसे भी ठाकुर बोलता है। किसने बताया ठाकुर को? मेरे को डाउट है कि नैना ने बताया होगा, वो पार्टनर की बात करता था ना, तो मेहता तो अपने पत्नी के साथ बाहर गया है। मेरे को लगता है कि नैना ने ही बताया होगा। नैना? हाँ बेटी, अभी पहले मेरी बात सुनो। अभी मेरे को ना तुम छुट्टी दे दो। नहीं, 35 साल से काम कर करके मैं थक गया हूँ। अभी मेरा हार्ट ने, हिम्मत ने, दोनों ने जवाब दे दिया। अबे मेरे को है ना, एक्सक्यूज मी प्लीज। अकुल काका, पहले मैं नैना से बात कर लूं, आपसे बाद में बात करूंगी। मैं तो अभी माउंट अबू जाता है, उधर रिसोर्ट में फोन करना हो। अवंतिका, क्या कहा तूने एसीपी ठाकुर से? क्या कहा मैंने? सवाल मैं कर रही हूँ, तुम सिर्फ जवाब दो। मैंने कहा क्या? तूने अपनी गंदी जबान फिर से खोली मेरी माँ के बारे में। तेरी माँ एक पागल थी और पागल को पागल कहा। क्या गलत कहा मैंने? Shut up! और तू भी अपनी माँ की तरह पागल है। अवंतिका, don't lose your cool। गुस्से में इंसान कुछ भी कर बैठता है, किसी का खून भी, और यहाँ तो बहुत सारे गवाह है।